Hello guys, welcome to H2O, the A to Z of chemistry. मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स के लिए, and I hope कि आप ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं. आज हम शुरू करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 20, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लिए हों. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स. सो आई होप कि वो सब आपको क्लियर है. और इसके साथ हमने चारों गैस लॉस को, आइडियल गैस इक्वेशन या कंबाइंड गैस लॉ प्लस द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एक डिटेल्ड थरो डिस्कशन कर ली है. इनकेस अभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफिकल्टी आए तो प्लीज फील फ्री, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के अपने क्वेश्चंस क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं. आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी हमेशा हर लेक्चर की लास्ट स्लाइड पे लिखी रहती है. और साथ ही में आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पेज का जो नेम है दैट विल बी बाय द नेम ऑफ द चैनल, दैट इज H2O केमिस्ट्री. बट प्लीज डू नॉट कीप योर डाउट्स टू योर सेल्फ, अपने जल्दी जल्दी डाउट्स क्लियर करते जाइए, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते जाइए. और आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पहले वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वेल दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन. ये टॉपिक प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर्स देखोगे, चाहे आप नीट के देख लो, जेई मेंस एडवांस, सबके पे एग्जामिनेशन में ये बहुत फ्रिक्वेंटली आए क्वेश्चंस हैं. और उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट इस लॉ की जो डेरिवेशंस रिलेटेड हैं उस पे भी आ जाते हैं, और साथ ही में न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी आते हैं. तो ये वाला लेक्चर हम फोकस करेंगे इसके थेरेटिकल पार्ट पे. जो कुछ भी डेरिवेशन इसमें रिलेटेड हैं वो हम अंडरस्टैंड करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे बेस्ड ऑन द लॉ, सो दैट कि आपकी अगेन एक थरो प्रिपरेशन हो जाए एग्जामिनेशन के लिए. तो जब हम इस ग्राहम्स लॉ को स्टडी करते हैं, दिस इज फॉर डिफ्यूजन एज वेल एज इफ्यूजन. ग्राहम्स ने ये जो लॉ दिया था वो डिफ्यूजन के लिए दिया था, बट दैट इज इक्वली एप्लीकेबल टू द प्रोसेस ऑफ इफ्यूजन. मगर उससे पहले कि हम इस लॉ को स्टडी करें तो लेट अस अंडरस्टैंड सबसे पहले कि ये डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो फिनोमिनन है इनमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, और कैसे फिर हम इस लॉ को इन दोनों प्रोसेसेस पे लगाएंगे. तो सबसे पहले डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट गैसेस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी. दो या दो से ज्यादा गैसेस जब पास में होती हैं तो आपस में मिक्स हो जाती हैं, और उनको मिक्सिंग के लिए किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं होती, वो ये अपने आप से कर सकती है, राइट. इसके लिए एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट है जो कि हम फ्रिक्वेंटली परफॉर्म करते हैं. तो पहले उसको डायग्रामेटिकली देखते हैं, फिर उसे अंडरस्टैंड करते हैं इस प्रोसेस को. हमारे पास एक सिलेंडर है. इस सिलेंडर में हमने क्या डाली है, ब्रोमीन वेपर्स, और ब्रोमीन वेपर्स दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर. इस सिलेंडर के ऊपर हमने इन्वर्ट किया एक और सिलेंडर, और इस सिलेंडर के अंदर एक और गैस है, और वो गैस है हाइड्रोजन गैस. और हाइड्रोजन गैस क्या है, एक कलरलेस गैस है, राइट. और इन दोनों सिलेंडर्स को हमने सेपरेट किया है विद अ सेपरेटिंग डिस्क. अब ये सेपरेटिंग डिस्क की प्रेजेंस की वजह से ये दोनों गैसेस मिक्स नहीं हो सकती, राइट. तो हम देख सकते हैं दोनों गैसेस को डिफरेंटली, कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस सेपरेटिंग डिस्क को इसमें से यहाँ पे निकाल देंगे, धीरे से निकालेंगे, सो दैट कि जो अंदर गैसेस हैं वो हमारे उस डिस्क को निकालने से डिस्टर्ब ना हो, ठीक है. तो जब हम उसको धीरे से निकालेंगे तो क्या होगा, वेल होगा क्या, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होगा. ये दोनों गैसेस एक दूसरे में मिक्स करने लगेंगी, हाइड्रोजन गैस नीचे को आने लगेगी, ब्रोमीन वेपर्स ऊपर को जाने लगेंगे. वेल हाइड्रोजन गैस एक लाइट गैस है, राइट. जबकि ब्रोमीन वेपर्स हाइड्रोजन के कंपैरिजन में एक हेवियर गैस है, मगर उसके बावजूद ये हेवियर गैस ऊपर जाएगी, ये लाइट गैस नीचे आएगी, और हमारे पास एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा दोनों गैसेस का, और इसका जो कलर होगा वो हमें दिखेगा येलोविश ब्राउन,
ना कलरलेस एरिया कहीं पे, ना रेडिश ब्राउन एरिया थ्रू आउट द टू सिलेंडर्स. अब जो कि एक वन सिलेंडर बन गया है उसके अंदर क्या है, मिक्सचर दोनों गैसेस का, विच इज गोइंग टू बी येलोइश ब्राउन इन कलर. सो ये जो मिक्सिंग हुई, ये हमने नहीं कुछ किया, हमने कोई शेक नहीं किया, कुछ मिक्स करने में हमने इन गैसेस को हेल्प नहीं किया. इन गैसेस ने अपने आप ही एक दूसरे में मिक्स हो गए. क्यों मिक्स हो गई? ये इसलिए मिक्स हो गई क्योंकि ये गैसेस हैं और गैसेस के अंदर क्या होता है, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और साथ में उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. तो दोनों वजह से ये बड़े अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, राइट? और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, हमने इस प्रोसेस को कहा डिफ्यूजन. ये डिफ्यूजन सिर्फ गैसेस में नहीं होता, ये लिक्विड्स में भी हमने बहुत अच्छे से जूनियर क्लासेस में भी स्टडी किया हुआ है. और बहुत अच्छे से आप जो एग्जांपल आप स्टडी करते थे वो क्या था कि आपने एक ग्लास पानी का लिया, उसके अंदर एक ड्रॉप इंक डाली और वो जो इंक ड्रॉप थी वो थ्रू आउट द वॉटर स्प्रेड कर जाता है और हम एक यूनिफॉर्म ब्लू मिक्सचर देखते हैं, ठीक है? तो हम डिफ्यूजन को गैसेस में मैक्सिमम देखते हैं, लिक्विड्स में उससे कम देखते हैं और सॉलिड्स के केस में दैट इज गोइंग टू बी वेरी नेग्लिजिबल, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव एज डिफ्यूजन. अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है जो हमें अंडरस्टैंड करना है वो है इफ्यूजन. अब इफ्यूजन में क्या है? वेल, इफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच अ गैस इज अलाउड टू एस्केप थ्रू अ टाइनी होल इन द कंटेनर, ठीक है? तो अगर हम डिफ्यूजन को देखते हैं तो डिफ्यूजन के केस में क्या है कि हमारे पास सपोजिटली यहाँ पे एक गैस प्रेजेंट है, यहाँ पे एक गैस प्रेजेंट है, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है? मगर इफ्यूजन के अंदर भी हम एक गैस की मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं मगर एक बहुत छोटे से होल में से अलाउ कर रहे हैं, ठीक है? डिफ्यूजन के लिए आप कह सकते हो कि एक बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है जबकि इफ्यूजन के लिए एक बहुत छोटा सा एरिया जिसमें से हम गैस को अलाउ कर रहे हैं पास करने के लिए, बाकी के हिस्से में से वो गैस अलाउ नहीं कर रही है जाने की, फाइन? सो दिस इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ फास्ट डिफ्यूजन. बहुत जल्दी से ये इफ्यूजन प्रोसेस होता है. क्यों जल्दी से होता है? क्योंकि अगर सपोजिटली हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने इस साइड पे गैस को लिया, ठीक है? अब हमने इस कंटेनर में गैस को जब इस साइड पे लिया, इस साइड पे गैस नहीं थी, तो यहाँ पे इनके बीच में कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो गया, या आप कह सकते हो गैसेस के प्रेशर में फर्क हो गया. अब ये एक एरिया ऑफ हाई प्रेशर हो गया, ये एक एरिया ऑफ लो प्रेशर हो गया. तो जब गैस यहाँ से इधर को जाएगी, दैट इज जस्ट सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है? मगर ये छोटे से होल में से हो रही है और ये एक फास्ट डिफ्यूजन है. दिस विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. इसको और अच्छे से हम एक एग्जांपल के साथ भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास एक डिओड्रेंट स्प्रे है, ओके? तो डिओड्रेंट स्प्रे में क्या होता है, हमारे पास एक कैन होता है, उस कैन के अंदर एक गैस विद परफ्यूम्स होती है और हमारे पास उसका एक स्प्रे करने के लिए बटन सा होता है जिसको हम प्रेस करते हैं और उसमें से एयर बाहर निकलती है, ठीक है? तो वो जो गैस है उस कैन के अंदर, दैट इज अंडर हाई प्रेशर. और जब हम उसको प्रेस करते हैं ऊपर से और वो गैस निकलती है, तो वो एक वहां पे एक्चुअली में एक टाइनी सा होल होता है जिसमें से वो बाहर निकलती है और वो बहुत जोर से निकलती है. सो दिस बिकम्स अ काइंड ऑफ फास्ट डिफ्यूजन. और उसके बाद दिस विल बी फॉलोड बाय डिफ्यूजन, क्योंकि एक बारी जो गैस एयर में आ गई वो धीरे से बाय द नेचुरल प्रोसेस सारी पूरी की पूरी एयर में स्प्रेड कर जाएगी, राइट? सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफ्यूजन. दिस विल बी अ प्रोसेस बाय विच अ गैस इज अलाउड टू एस्केप थ्रू अ टाइनी होल. एक छोटे से होल में से हम उसको बाहर निकलना अलाउ कर रहे हैं. अब जब हम ग्राहम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, ग्राहम्स लॉ को अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये दोनों ही प्रोसेसेस डिफ्यूजन और इफ्यूजन पे एप्लीकेबल होगा. आप जब अपने क्वेश्चंस को देखोगे तो उन क्वेश्चंस के अंदर कभी आपको गैस की डिफ्यूजन कहा गया होगा, कभी आपको गैस की इफ्यूजन कहा गया होगा. तो एसेंशियली जो भी ग्राहम्स लॉ में आप स्टडी कर रहे हैं वो दोनों ही प्रोसेसेस में आप सिमिलरली लगा देंगे, ठीक है? अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये ग्राहम्स लॉ क्या है.
Graham's law of diffusion. This was given by Thomas Graham in the year 1833. And under similar conditions of temperature and pressure, the rate of diffusion of the gases, they are inversely proportional to the square root of their densities. ठीक है, तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन सेम होगी तो जो गैसेस की डिफ्यूजन का रेट है, हम यहाँ पे डिफ्यूजन एज अ प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, हम जो फोकस करेंगे दैट विल बी ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. ठीक है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द गैस. और ये जो लॉ है अगेन डिफ्यूजन के लिए है, मगर हम इफ्यूजन पे भी सिमिलरली लगाएंगे. तो एक गैस अगर एस्केप कर रही है कहीं से, तो वो जो उसका एस्केप करने का रेट होगा दैट विल बी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ द डेंसिटी इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन दे आर सिमिलर. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आर इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू 1/d का अंडर रूट. ठीक है, वेयर आर इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डी इज द डेंसिटी ऑफ द गैस. इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर डेंसिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, अगर डेंसिटी कम होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा. एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि अगर हमारे पास एक लाइट गैस है वो जल्दी से डिफ्यूज कर जाएगी, अगर एक हैवी गैस है तो वो टाइम लेगी डिफ्यूज करने में. सो अगर हमारे पास सपोजिटली गैस 1 है तो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अगर हम R1 लिखेंगे दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/√d1. सिमिलरली गैस 2 होगी तो R2 विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/d2 का अंडर रूट. अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, सो व्हाट वी विल बी गेटिंग इज R1/R2, दिस विल बी इक्वल टू √d2/d1. एंड एक गैस है तो गैस की डेंसिटी को हम एज वेपर डेंसिटी भी लिख सकते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू √vapor density ऑफ द सेकेंड गैस डिवाइडेड बाय द वेपर डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट गैस. अब वेपर डेंसिटी और मॉलिकुलर वेट का ऑलरेडी हम एक रिलेशनशिप स्टडी कर चुके हैं, और ये जब हमने स्टडी किया था, इनकेस आपको भूल गया हो तो स्टडी किया था जब हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे थे, उसमें अगर आपने भूल चुके हैं तो वेल आप एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला लेक्चर जो है उसमें वापस जा सकते हैं और वहां पे डिटेल में वापस अंडरस्टैंड कर सकते हैं व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर डेंसिटी एंड द मॉलिकुलर मास ऑफ अ गैस. और वो रिलेशनशिप क्या है, वेल मॉलिकुलर वेट ऑफ अ गैस इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ द वेपर डेंसिटी. अब अगर ये ट्वाइस है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × d2 डिवाइडेड बाय 2 × d1, अंडर रूट विल बी R1/R2, सेम ही रहेगा. सो हम इसको ये भी लिख सकते हैं √M2/M1, दिस विल बी इक्वल टू R1/R2. तो किसी भी गैसेस के अगर हम डेंसिटीज को या मॉलिकुलर वेट्स हमें मालूम है तो वेल हम उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन को असेस कर सकते हैं अंडर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये अभी तक जो हमने स्टडी किया ये था जो डायरेक्टली हमें ग्राहम्स लॉ के से अंडरस्टैंड हम करते हैं. अब इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में आएंगे, सो हमें एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है. तो उस थॉरो अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि रेट ऑफ डिफ्यूजन होता क्या है. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड ओवर द टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन. ठीक है, तो जैसे कि अगर हम मेजर कर रहे हैं, हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन देखना है कितना, हमने घड़ी ली, हमने देखा कि एक मिनट के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड है दैट इज समथिंग, राइट. तो वो जो 1 मिनट के अंदर वॉल्यूम डिफ्यूज हुई, वी कैन से दैट टू बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन. सो अगर हमारे पास एक गैस 1 है, वो जनरलाइज टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो T1 सेकेंड्स ले रही है टू डिफ्यूज थ्रू अ पोरस पार्टीशन, तो उसकी जो वॉल्यूम आई दैट इज V1 ml.
ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है R1, दिस विल बी इक्वल टू V1, द वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइडेड बाय T1, द टाइम टेकन फॉर द गैस टू डिफ्यूज बाय V1 ml. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज की है, दैट इज अ पोरस पार्टीशन. अब हमने ये पोरस पार्टीशन क्यों लिया, गैसेस तो ऐसे ही भी डिफ्यूज कर जाती है. वेल, ये हमने इसलिए लिया है बिकॉज अगर हमारे पास एक पार्टीशन नहीं होगी तो गैसेस बहुत जल्दी से डिफ्यूज कर जाएंगी. ठीक है, एक अब पार्टीशन ले लिया तो एक तो उनकी जो स्पीड है थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, प्लस वी हैव द वे टू मेजर उसके साथ कि हमने एक साइड पे एक गैस को लिया, पोरस पार्टीशन रख दिया, उसमें से अलाउ किया गैस को पास करने के लिए और उस प्रोसेस को हमने स्टडी कर लिया कि दूसरी साइड पे कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस हुई. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल एज फार एज द एक्सपेरिमेंट्स आर कंसर्न कि कैसे डिफ्यूजन रेट्स को मेजर किया जाता है. ओके, सो अगर हमारे पास अब ये गैस वन थी, सिमिलरली अगर गैस टू हो और वो जो गैस टू है उसकी वॉल्यूम है जो कि टी टू सेकेंड्स में डिफ्यूज कर रही है थ्रू द सेम पोरस पार्टीशन टू बी वी टू एम एल, सो वी कैन राइट द रेट ऑफ डिफ्यूजन आर टू इक्वल टू वी टू बाई टी टू. अब अगेन हम ये इक्वेशन फाइव को इक्वेशन सिक्स से डिवाइड कर देते हैं, सो वॉट यू विल बी गेटिंग इज आर वन बाई आर टू विल बी इक्वल टू वी वन बाई टी वन इन टू टी टू बाई वी टू. अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्सपेरिमेंट में ऐसा करते हैं कि हम जो दोनों गैसेस हैं उनकी वॉल्यूम्स को सेम कर देते हैं. ठीक है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि सेम वॉल्यूम कितने टाइम में डिफ्यूज कर रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वॉल्यूम जब सेम हो जाएगी तो ये वॉल्यूम्स दोनों कैंसल हो जाएंगी. सो वी कैन से आर वन बाय आर टू विल बी इक्वल टू टी टू बाय टी टू टी वन इफ द सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिफ्यूजिंग आउट, राइट. और अब अगर हम अपनी प्रीवियस इक्वेशन को थ्री को फोर को और सेवन को इन सबको कंबाइन करेंगे तो वट वी विल बी गेटिंग इज R1 by R2 will be equal to under root of D2 by D1, equal to under root of M2 by M1 and equal to T2 by T1. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. और ये T2 by T1 कब होगा, जब सेम वॉल्यूम डिफ्यूज कर रही है. ओके, so we can say that the time taken for diffusion of equal volumes of two gases under similar conditions of temperature and pressure, this will be directly proportional to the square root of their densities or molecular masses. ठीक है, so I hope this is very clear to you. ये आपको बहुत importantly सब चीजें याद रखनी है क्योंकि examination में ये आने वाली है. अब अभी हमने दोनों गैसेस के वॉल्यूम्स को इक्वल किया. हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम टाइम्स को सिमिलर कर दें कि एक सेकेंड में या एक मिनट के अंदर ये वाली गैस का कितना वॉल्यूम और दूसरी गैस का कितना वॉल्यूम, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, T1 इक्वल टू T2 कर देते हैं. अब अगर T1 इक्वल टू T2 किया तब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, वेल हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी R1 by R2 will be equal to V1 by V2, this will be equal to under root of D2 by D1 equal to under root of M2 by M1, right. तो वॉल्यूम्स के साथ रिलेशन जब टाइम सेम है और टाइम के साथ रिलेशन जब वॉल्यूम सेम है, अब हमारे पास ये आ गया. ओके, अब नेक्स्ट चीज, एक और हमने जब हम एवोगाड्रोस लॉ को स्टडी कर रहे थे तो हमने स्टडी किया था कि जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस. तो अब यहाँ पे एक और रिलेशन डिराइव कर सकते हैं एंड दैट इज आर वन बाय आर टू, नाउ दिस विल बी इक्वल टू एन वन बाय एन टू बिकॉज वी वन बाय वी टू इक्वल टू N1 by N2 when we have the same temperature and pressure conditions, right? So this will be again equal to under root of D2 by D1 equal to under root of M2 by M1. ये सब आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करने वाला है जहां पे आपको फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आएंगे, कहीं पे कोई चीज कांस्टेंट देकर दूसरी का रिलेशन ढूंढना होगा. सो ये सब आपको वहां पे हेल्प करने वाला है. अब हमारे पास एक नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जामिनेशन में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है. पूछा क्या जाता है कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है, उसकी एक साइड में से आप एक गैस
अंदर सिलेंडर में रिलीज कर रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं अमोनिया गैस रिलीज कर रहे हैं, और दूसरी साइड से दूसरी डिफरेंट एक गैस रिलीज कर रहे हैं, मान लिया HCl गैस है। अब आपको ये बताना है कि वो सिलेंडर के कौन से पॉइंट पे दोनों गैसेस एक दूसरे को मीट करेंगी, राइट। तो उसको एक अंडरस्टैंड करते हैं एक डायग्राम के साथ। तो हमारे पास इस साइड से हमने अमोनिया गैस को रिलीज किया, इस साइड से हमने HCl को रिलीज किया, ठीक है। तो ये दोनों गैसेस ने डिफ्यूजन शुरू की, दोनों गैसेस डिफ्यूज करके किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे, जहां पे मिलेंगे वहां पे अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा, NH3 plus HCl, this reacts to form अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड का एक वाइट सा क्लाउड फॉर्म होता है जो कि हमें इजिली विजुअलाइज हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली आप क्या कर सकते हो, आप इस लेंस को मेजर भी कर सकते हो, मगर अगर हम मेजर नहीं करना चाहते हैं, हम मेजर नहीं करना चाहते हैं, वेल हम वैसे ही बताना चाहते हैं कि कैसे होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या कहते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जिस जहां पे अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, अमोनिया वाली साइड से उसको हमने कहा लेंथ L1, और दूसरी वाली साइड से जो डिस्टेंस बना उसको हमने कहा L2। आपको एग्जामिनेशन में टोटल इस ट्यूब का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो दी भी हो सकती है। तो अगर ये L होगा, ये L1 होगा, तो L2 कितना हो जाएगा, L-L1, राइट। सो दिस इज समथिंग जो कि आप, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आप न्यूमेरिकल्स में खुद भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम चाहते हैं ये रिलेशनशिप ढूंढना कि L1 और L2 के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये कहां पे मीट करेंगे। सो हमें मालूम है कि जो वॉल्यूम होती है किसी भी चीज के, हम सिलेंडर की वॉल्यूम बात कर रहे हैं, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 2πRL, ओके। तो अगर हमारे पास इस एंड से हमने अमोनिया गैस को रिलीज किया और उसने ये L1 डिस्टेंस कवर किया, रेडियस ये है, तो वॉल्यूम V1 फॉर अमोनिया गैस या कोई भी और गैस जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, उसकी जो वॉल्यूम होगी दैट विल बी 2πRL1। और दूसरी साइड से जो गैस आ रही है वो L2 डिस्टेंस कवर किया और उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 2πRL2। So we will have V1 by V2 equal to 2πRL1 by L2, or radius, because that is same for both, क्योंकि same cylinder है, so this is going to cancel out. So V1 by V2, this will be equal to L1 by L2. अब इसको हम अपने इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो V1 by V2 equal to L1 by L2, and because V1 was equal to under root of D2 by D1, this was equal to अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1, तो हमारे पास ये लेंस का रिलेशन आ गया। सो द लेंथ इज ऑल्सो गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ डेंसिटी और द अंडर रूट ऑफ मॉलिकुलर मास। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपको एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। रेडियस को वेरी किया जा सकता है, लेंथ और रेडियस दोनों को वेरी किया जा सकता है, तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक जो हमने स्टडी किया वो है जब हमारे पास कंडीशंस ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हो, मगर जो एग्जांपल मैंने आपको इफ्यूजन के लिए बताया वो क्या था, एक डिओड्रेंट कैन का, ठीक है। अब एक डिओड्रेंट कैन के अंदर हमारे पास एक परफ्यूम्ड गैस प्रेजेंट है, और वो जो परफ्यूम्ड गैस प्रेजेंट है दैट इज अंडर हाई प्रेशर, इसलिए जब हम इसको यहां से प्रेस करते हैं तो वो जो गैस है वो बाहर निकलती है विद लॉट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो P1 प्रेशर इनसाइड द कैन है दैट इज ग्रेटर देन P2। तो अगर अब हमें रेट ऑफ इफ्यूजन ढूंढना हो तो हम ग्राहम्स लॉ को कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमने तो कहा दैट हैज टू बी अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो वी हैव टू डू सम चेंजेस ओवर हियर, और वो चेंजेस क्या है दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अगर प्रेशर में चेंजेस होंगे या टेम्परेचर में चेंजेस होंगे तो रेट ऑफ इफ्यूजन पे क्या चेंज आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इफ्यूजन। तो प्रेशर अगर ज्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा नहीं, प्रेशर डिफरेंस की हम बात करेंगे कि P1 P2 से कितना ज्यादा है,
तो प्रेशर डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा, रेट ऑफ इफ्यूजन भी ज्यादा होगा. सो आर इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस. अगर हमारे पास सिलेंडर में एक साइड पे हमने कंपार्टमेंट ड्रॉ किया है, एक साइड पे हमने गैस को लिया, कंप्लीट एक पोरस पार्टीशन है राइट, पर उसमें एक साइड पे गैस है दूसरी साइड पे नहीं है, तो प्रेशर में डिफरेंस हो गया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा. अगर हमारे पास वो पोरस पार्टीशन नहीं है, पार्टीशन है मगर उसमें एक होल है, तो भी प्रेशर डिफरेंस अगर होगा तो होल में से इफ्यूजन ज्यादा होगी. ठीक है, सो रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस. और हमें ऑलरेडी पता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डी. इन दोनों चीजों को जब हम कंबाइन करेंगे व्हाट वी विल बी गेटिंग इज दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू पी बाय अंडर रूट ऑफ डी. तो हम ये इसको अप्लाई करेंगे रादर देन ओनली the density relation to diffusion or fusion. ठीक है, I hope this is clear. So what we can write is R1 by R2, this will be equal to P1 by P2 into under root of D2 by D1 if the pressure is not the same. ठीक है, और ये जो P1 और P2 है वो क्या है, प्रेशर नहीं है, प्रेशर डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है. सिमिलरली अब D2 by D1 की जगह पे हम यहाँ पे M2 by M1 as a molecular masses भी ले सकते हैं. नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और डिफ्यूजन. अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा हो जाती है, तो अगेन जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन होगा दैट इज गोइंग टू बी मोर. और उसके लिए जो आपको याद रखना है वो ये है कि रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डी. प्रेशर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मगर टेम्परेचर का अंडर रूट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंटली आप याद रखोगे. सो आर इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी एंड ऑल्सो फ्रॉम द ग्राहम्स लॉ वी नो दैट आर इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू वन बाय अंडर रूट ऑफ टी. दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा आर बींग प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय टी. ओके, इसको सिमिलरली अब आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाय आर वन बाय आर टू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी वन by T2 into D2 by D1. वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट फ्रॉम दिस रिलेशन आई होप दैट इज क्लियर. दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे तो कैसे लिख लेंगे, वेल कंबाइन करेंगे तो हम लिखेंगे R1 by R2 this is equal to P1 by P2 into under root of T1 by T2 into D2 by D1. ठीक है, तो ये हमारे पास कंबाइंड रेट का स्टडी आ गया. अगर प्रेशर भी चेंज कर रहा है, टेम्परेचर भी चेंज कर रहा है और डेंसिटी ऑफ द गैसेस दैट इज डिफरेंट, परफेक्टली फाइन. सो ये है यहाँ पे हमारी जितनी भी डेरिवेशंस पॉसिबल थी फॉर ऑल द न्यूमेरिकल्स जो कि आप आगे इस टॉपिक से रिलेटेड अटेम्प्ट करने वाले हैं. नेक्स्ट अब हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ द गैसेस डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन. हम इसको यूज कहाँ पे करते हैं, वेल अगेन दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो. सबसे पहले हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द गैशियस मिक्सचर. हमारे पास गैसेस हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हुई हुई हैं, हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, बेस्ड अपॉन देयर डिफ्यूजन रेट. अगर डेंसिटीज डिफरेंट है तो डिफ्यूजन रेट डिफरेंट है, और इसको हम यूज करके इन गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिफ्यूजन और एटमोलिसिस. राइट, तो जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर होगा तो हाइड्रोजन लाइट है, ऑक्सीजन हैवी है, तो अगर हम उसको एक पोरस पार्टीशन में से पास करने को अलाउ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस जल्दी से डिफ्यूज कर जाएगी, ऑक्सीजन नहीं करेगी. रिपीटेड डिफ्यूजन्स करेंगे तो हमारे पास प्योर सैंपल आ जाएगा हाइड्रोजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का. सिमिलरली हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर द सेपरेटिंग ऑफ आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम. यूरेनियम के दो आइसोटोप्स U238 एंड U235 दे कैन बी सेपरेटेड एज देयर गैशियस हेक्साफ्लोराइड्स UF6. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसकी है यहाँ पे एक मार्श गैस डिटेक्टर में.
ठीक है, तो ये मार्श गैस क्या होती है, मार्श गैस होती है मिथेन गैस, और जो मिथेन गैस है वेल ये एक एक्सप्लोजिव गैस है, और इसको मार्श गैस डिटेक्टर को हम यूज करते हैं कोल माइंस में। कोल माइन में अगर मार्श गैस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वेल वहां पे एक्सप्लोजन हो सकती है जो कि वर्कर्स के लिए बहुत अनसेफ होगा, इसलिए वहां पे कोल माइंस में इस मार्श गैस डिटेक्टर को यूज करते हैं। और उस गैस डिटेक्टर को जो यूज करते हैं उसका नाम है एंसल्स मार्श गैस डिटेक्टर, एंड दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ पोरस स्पॉट। डायग्राम है यहाँ पे आपके लिए, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये एक पोरस स्पॉट है जो यहाँ से एयर का सैंपल अंदर आएगा, ठीक है। अगर उसके अंदर मार्श गैस ज्यादा होगी तो मार्श गैस जो है वो एयर से ज्यादा लाइट है तो वो जल्दी से डिफ्यूज कर जाएगी इस पोरस स्पॉट के अंदर। अब इस पोरस स्पॉट के अंदर जब ये डिफ्यूज करेगी तो देन दिस इज अटैच टू अ यू ट्यूब कंसिस्टिंग ऑफ मर्करी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी मार्श गैस की, इधर बढ़ेगी तो ये मर्करी इधर मूव करेगी, यहाँ पे इसको जब ये टच करेगी तो बेल, उस टाइम पे ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगा तो ये बेल रिंग करेगी और बेल की रिंगिंग से वर्कर्स को मालूम लग जाएगा नाउ दिस एरिया इज अनसेफ, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी यूज अ मार्श गैस डिटेक्टर बेस्ड अपॉन द डिफ्यूजन ऑफ मार्श गैस क्विकर देन एयर। सिमिलरली अगर किसी पॉइजनस गैस को रिमूव करना हो तो वहां पे भी सेम डिफ्यूजन प्रिंसिपल हेल्प करता है। अगर हमारे पास सपोजेडली किचन में गैस का सिलेंडर लीक कर गया तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से विंडोज को ओपन कर देते हैं। क्यों ओपन कर देते हैं, क्योंकि वो जल्दी से गैस एयर के साथ मिक्स हो जाएगी एंड दैट विल बी रेंडर्ड हार्मफुल। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई और पॉइजनस गैसेस हो, फाउल स्मेलिंग गैसेस हो, दे कैन बी डाइल्यूटेड बाय एटमोस्फेरिक एयर बाय डिफ्यूजन एंड हेंस दे विल बी हैंडल्ड हार्मलेस। अगर गैसेस का हमने मॉलिकुलर वेट्स डेंसिटीज को कैलकुलेट करना है तो हम उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन को मेजर कर सकते हैं, और जो हमने डेरिवेशन अभी सीखी उसके बेसिस पे हम उनके मॉलिकुलर वेट्स और डेंसिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ्यूजन प्रोसेस सिमिलर टू डिफ्यूजन है तो हम उसको सेपरेट करने के लिए आइसोटोप्स के लिए हेल्प कर सकते हैं। जो लाइटर आइसोटोप होगा वो फास्टर एस्केप करेगा थ्रू द पोर, लीविंग बिहाइंड द हैवियर आइसोटोप, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं डिफ्यूजन और फ्यूजन की, और इसके साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द ग्राहम्स लॉ, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है न्यूमेरिकल्स में। ये सब जो हमने डेरिवेशंस यहाँ पे सीखी हैं हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में अप्लाई करेंगे एंड दैट विल मेक आवर नॉलेज कंप्लीट, ठीक है। तो इनके सभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट कि हम आपको बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन दे सकें आपके एग्जामिनेशंस के लिए। कोई भी डाउट्स हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फील फ्री पुट देम इन द कमेंट सेक्शन, हमें ईमेल कर दो, हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर लो, बट अपने डाउट्स को साथ साथ में क्लियर करते जाओ। तो सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।